तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम हैं फिलहाल बनिहाल में और आज का जो ट्रेन सफर है, आज मेरे साथ आप देखने वाले हो लाइव स्नोफॉल के साथ। कैसा लग रहा है? बाकी यार लाइव स्नोफॉल हो रही है, कमाल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों के साथ हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आपको इस जर्नी में बहुत मजा आएगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि ये जो नज़ारे हैं ना, ये रोज रोज नहीं होते हैं भाई। ये है अपना कश्मीर, वेलकम टू कश्मीर। लाइव स्नोफॉल यार, लिटरली मजा आ रहा है। पूरा भीग चुके हैं वो बात अलग है, बाकी क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचने, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ, आपको मैं एक कमाल की जर्नी में लेकर के चलने वाला हूँ आज। फाइनली आज इंतज़ार की वो घड़ी खत्म हुई। आप लोग इतने दिन से कह रहे थे सत्य भाई स्नो वाली ट्रेन दिखाओ, तो आज वो मौका है। श्रीनगर रेलवे स्टेशन सजा हुआ है बर्फ से और आज हम लोग यात्रा करेंगे अपनी स्नो वाली डेमो में। सामने ट्रेन है अपनी, जल्दी चलते हैं, बोर्ड करते हैं। तो भाई इस ट्रेन को बोर्ड करने का इंतज़ार हमें काफ़ी लंबे समय से था भाई। हर एक रेल लवर के लिए या एक ट्रैवल ब्लॉगर के लिए ये एक ड्रीम जर्नी होती है जिसे आज आप लोग मेरे साथ एक्सपीरियंस करने वाले हो। भाई देख लो, श्रीनगर से शुरुआत ही इतनी ताबड़ तोड़ हुई है, तो आगे अपने को कितनी बर्फ मिलने वाली है इसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते हो। के बीच में अपनी जो जर्नी है वो चल रही है और गाड़ी का जो इंटीरियर है कुछ ऐसा बना होता है, मतलब एक लोकल ट्रेन है जिसका किराया भी आपको बहुत कम पड़ता है। अंदर इसमें हीटर्स चलते हैं क्योंकि स्नो के बीच में गाड़ी चलती है तो ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पर इसका इंटीरियर आप लोग देख लो काफ़ी कमाल का है यार, और दोनों तरफ स्नो है बाहर से भी। शुरुआत ऐसी है तो आगे कितनी एक्साइटमेंट होने वाली है ज़रूर से देखिएगा क्योंकि ये लेवल अब धीरे धीरे बढ़ने वाला है। आप लोग भी कश्मीर वगैरह घूमना चाहते हो तो महाराजा हॉलीडेज से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इवन कॉन्टैक्ट नंबर। काफ़ी कमाल के पैकेजेस आपको अच्छे रेट्स में मिल जाएंगे और आप भी ऐसे ही कश्मीर इंजॉय कर सकते हो। वैसे मैं आप लोग से एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हम लोग भी बहुत ट्रैवल करते हैं और ऐसे शॉपिंग वगैरह भी हमें बहुत करनी पड़ती है, तो हाल ही में जब मैंने ग्लव्स और जैकेट वगैरह खरीदा तो मैंने उसे कैश करके थ्रू अमेजोन से खरीदा, तो मुझे अच्छा खासा कैशबैक मिला। आप लोग को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। वैसे भी रिपब्लिक डे सेल जो है वो शुरू हो चुकी है कैश करो में, जल्दी जाओ डाउनलोड कर लो। अगर डिस्क्रिप्शन में दे गए लिंक से डाउनलोड करते हो ना तो आपको 25 रुपीज़ का बोनस मिलेगा, और अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो मेरे कूपन कोड इंडियन 25 को यूज़ करोगे तो भी 25 रुपीज़ का आपको वहाँ पर बोनस मिल जाएगा।
अच्छी बात ये है कि जो ये कैशबैक है ना, ये रियल मनी है, आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। रिपब्लिक डे सेल भी शुरू हो चुकी है, यही मौका है अपनी विश लिस्ट को पूरी करने का। कैश सिंपली आपको अपने कैशकॉर अकाउंट को खोलना है, वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी शॉपिंग की, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ऐसी आपको जो भी वेबसाइट पसंद है उस पर क्लिक करो, ऑरेंज बटन पर क्लिक करो, आपको रिडायरेक्ट कर देगा शॉपिंग वेबसाइट के ऊपर जिस पे आप शॉपिंग करना चाहते हो। सिंपली जैसे नॉर्मली शॉपिंग करते हो वैसे के वैसे ही शॉपिंग करो, और भाई जब आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा आप माई अर्निंग सेक्शन में अपने कैशबैक को देख सकते हो, है ना कमाल की बात। सामने वाली ट्रेन की छत में देखो आप बर्फ जमी हुई, मतलब आगे स्नोफॉल हो रहा है अभी भी। वाओ यार, धीरे धीरे एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता ही जा रहा है सूट पे। जो एक्सपेक्ट किया था ना वही हो रहा है, और यहाँ देख लो आप लोग स्नो का हाल, वाओ मजा आ गया। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंची है बिजी बिहाड़ा, और ये फेमस है अपने खटाई बिस्किट के लिए, बड़े वाले जो बिस्किट होते हैं ना, अपने नान खटाई छोटी होती है, यहाँ बड़े वाले बिस्किट्स होते हैं। बाकी लोकेशन देख लो, चला भी जाए क्योंकि जो अपना सिग्नल है वो उचका है। यहाँ पे आप हमारा टिकट देख लो, 6 आदमी का 270 रुपीज़, यानी पर हेड हमें 45 रुपीज़ की यार टिकट पड़ी है, और 45 रुपीज़ में इतने कमाल के मज़े आपको शायद ही इंडिया की कोई ट्रेन देती हो, या कोई ना कोई अम्यूजमेंट पार्क भी आपको इतने सस्ते में मतलब मज़े नहीं देगा भाई। फाइनली पहुँच रहे हैं हम लोग यहाँ पे अनंतनाग रेलवे स्टेशन, और भाई स्नो का लेवल देख लो, प्लेटफॉर्म में भी भरी हुई है और अच्छी खासी ठंड है यार, मज़ा आ गया। मतलब इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए थे, और आज ये जो विश हमारे इतने दिनों की आज जा करके पूरी हुई है। अगर बात की जाए श्रीनगर के बाद किसी सबसे बड़े शहर की, तो अनंतनाग है, जहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटीज से लेकर बाकी सभी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, और यहाँ पे स्टेशन में भी आपको देखो क्या भर भर के मतलब देखने को मिल रही है यार, मजा आ गया। तो बाकी यहाँ की केसर भी बहुत फेमस है, मतलब यहीं पे उगती है, मेन बात ये है। तो देखो आप लोग क्या बर्फ पड़ी हुई है यार, क्या सुंदर लग रहा है अनंतनाग। अब जैसे जैसे बनिहाल पहुंचते जाएंगे ना, ये बर्फ का लेवल भी बढ़ता जाएगा और ठंड भी, और इस डोर को पकड़ने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए वो मैं ही जानता हूँ बिना ग्लव्स के। वाकई में मजा बहुत आ रहा है भाई इस ट्रेन में, कभी आप लोग को मौका मिले तो जरूर ट्रैवल करो श्रीनगर से बनिहाल के बीच में, रोड बहुत ही कमाल का है।
सफर है, ये थोड़ा सा अभी एंड होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा भाई, 45 रुपीज में जो जर्नी हो रही है, ये आपको कैसी लगी? यार 45 रुपीज में तो आज की तारीख में जो है स्नैक्स भी नहीं मिलता है। और हाँ, मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको 30 रुपीज़ से 65 रुपीज़ तक की जर्नी इस तरीके की स्नो पैक नहीं मिल सकती, वो भी गर्मा गर्म ट्रेन में। एब्सोल्युटली, इन द वर्ल्ड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आई कैन चैलेंज दैट। गुनगुने मौसम है और ट्रेन ऐसी कि ना लेट होती है ना कुछ, और फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़िया। हमारे साथ रेलगन कोर्स वाले संदीप भाई एंड एक्सट्रीम रोड्स वाली वैशाली मैम, थैंक्स अ लॉट। हमारे साथ ट्रेन जर्नीज के लिए एक्सट्रीम रेल्स वाली वैशाली मैम है, थैंक्स अ लॉट मैम हमें अपने साथ इस सफर में ले चलने के लिए। मतलब बोरिंग हो जाता वरना ये सफर, आप लोग साथ हो तो और एंटरटेनिंग लग रहा है वाकई में। अरे नहीं नहीं, बहुत मजा आ रहा है। साथ में श्रेयांश है, मल्हार भाई है, संदीप भाई हमारे साथ हमेशा ही रहते हैं, तो संदीप भाई की पूरी प्लानिंग थी, तो वंडरफुल प्लानिंग एंड अमेजिंग रूट। का लेवल तो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया भाई, ट्रैक के व्हील्स तक आ रहा है अब सो, और नॉन स्टॉप यहाँ पे स्नोफॉल हो ही रही है। देखो अभी मैं आपको हाथ में कलेक्ट करके थोड़ा दिखाता हूँ, ये देखो लाइव स्नो, वाओ ब्यूटीफुल यार, बहुत सुंदर लग रहा है। भाई अभी हमें काजीकुंड रेलवे स्टेशन में जहाँ सबसे ज्यादा बर्फ गिरती है, देखो पैर इसमें घुसाऊंगा तो पूरा चला जाएगा। खैर ये देखो भाई मजा आ रहा है यार, ये होती है एक्चुअल जर्नी। चलो चला जाए यहाँ से, डिपार्चर टाइम हो गया। ये है असली जन्नत यार, अमेजिंग स्नोफॉल एट काजीकुंड। अमेजिंग यार, चलो हाथ में कलेक्ट करते हैं कि डिपार्चर भर में कितनी बर्फ हम लोग इकट्ठा कर पाएंगे। भाई ये देखो क्या डिपार्चर में इतनी बर्फ आई है, ओह मजा आ गया भाई, लाइव स्नोफॉल। Next level यार। Live snowfall यार। टनल जो है वो आती है जिसकी लंबाई करीब 11 किलोमीटर की है, तो 11 किलोमीटर तक हम इसी टनल के अंदर जाने वाले हैं, तो 11 किलोमीटर तक हम सिर्फ इसी टनल के अंदर ही रहने वाले हैं। थोड़ा आप लोगों को अंदर से भी दिखा दूं कैसा लगता है, क्योंकि नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग जो है वो बाहर से चल रही थी, और फाइनली हम लोग अब बनिहाल रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। भाई क्या नज़ारे हैं यार, यहाँ आते आते भी एक्साइटमेंट जो है कम हुई नहीं है। ये देखो वाओ, फाइनली बनिहाल में अराइवल विद स्नोफॉल। मजा आ गया, जो विश थी फाइनली पूरी हुई, और आपको जर्नी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। अमेजिंग एक्सपीरियंस यार, लिटरली वाओ, लाइव स्नोफॉल एक्सपीरियंस।
फाइनली पहुंच चुके हैं बनिहाल और यहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर का नजारा आप लोग देख लो। रेलवे स्टेशन का तो हमने अराइवल पे ही देख लिया और बाकी ये जर्नी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर, क्योंकि इतना एफर्ट तो भाई आप ही लोग के लिए लेते हैं हम लोग। और एफर्ट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही स्लिप होते हुए आगे बढ़ेंगे। यार सेफ्टी बहुत जरूरी है यहाँ पे। फिलहाल अगर आप लोग इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, स्टडी द ट्रेन गुरु, वहाँ मैं जर्नी अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ और इसके रील्स एंड कुछ कमाल की फोटोज वीडियोज भी वहाँ शेयर करूँगा। बाकी बनिहाल से आप लोगों से विदा लेता हूँ, मिलेंगे जल्दी और बहुत सारी जर्नी में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।